हेलो गाइस, हाउ आर यू टुडे। वेल, एज यू नो, मैं जो कोई भी जगह पे जाती हूँ उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस रहता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पर आज मैं आई हूँ सूरत का किला, जहाँ जिनके बारे में लोगों को पता था बट यहाँ पे लोग आना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। बट देखते हैं कि यहाँ पे रिनोवेशन होने के बाद किला कैसा दिखता है। और टिकट प्राइजेज है 40 रुपीज़ पर पर्सन एडल्ट्स के लिए, और अगर आपको शूटिंग या फोटोग्राफीज करनी है तो उनकी प्राइजेस अलग है। बट इफ़ यू गाइज आर न्यू ऑन माई चैनल, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सूरती भूत एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। सो ज़्यादा समय नहीं लेके लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ द वॉल्ट जहाँ पे आपको फूड की हिस्ट्री बताई जाएगी। रेस्टोरेशन प्रोसेस के समय यहाँ से एक सीक्रेट वॉल्ट मिली है जो वेंटिलेशन सिस्टम का बहुत अच्छा काम करती थी। जो ठंडी हवा नीचे के भाग से आते हुए रूम के ऊपरी भाग से गर्म हवा चली जाए। टनल की व्यवस्था ऐसे की हुई है जो बाहर से दिखाई न दे। हाउएवर, दिस वॉल्ट एरिया इज द सेफेस्ट एरिया एंटायर फोर्ट। कहा गया है कि युद्ध के समय अगर किसी को वॉल्ट और ये बुर्ज में प्रवेश करना हो तो बहुत सारी दीवारें और रास्ते पार करके यहाँ पे पहुँच सकते हैं। मैंने टनल का शूट नहीं किया है क्योंकि ये रूम में शूट अलाउ नहीं है। राइट हैंड साइड पे जो येलो पोर्शन आपको दिख रहा है वो ऑलरेडी रिनोवेशन हो चुका है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको पार्ट दिख रहा है वो टू बुर्ज का काम अभी वहाँ पे शुरू है। गैलरी ऑफ सूरत आर्काइव्स। ये गैलरी में आपको सूरत के हिस्टोरिकल मैप्स, कौन से समय में कौन से शिप ज्यादातर सूरत में आई हुई, और साथ ही साथ हिस्ट्री में बताया गया है कि ब्रिटिश, डच और मुगल समयकाल दरमियान की शिप भी प्रदर्शित की हुई है। सूरत के लास्ट नवाब अफजलुद्दीन खान का थ्रोन एंड कुछ चीजें भी आपको देखने मिलेगी। सूरत फोर्ट, सूरत का सेंटर जो कि चौक वहाँ पे अवेलेबल है और भागल और डबगरवाड़ से थोड़ी सी दूरी पे ही है। फूड टाइमिंग है ट्यूसडे टू संडे 10 AM टू 6 PM, एंड मंडे या फिर कोई नेशनल हॉलीडे और कोई फेस्टिवल के दिन फूड बंद रहता है। टिकट प्राइस मैंने आपको आगे बताई हुई है कि 40 रुपीज़ एडल्ट्स के लिए और 20 रुपीज़ किड्स के लिए। पर फोटोग्राफी के चार्ज है 20 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ फॉर वीडियोग्राफी। किले पर 1759 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था और 1873 में अकबर ने सूरत के इस किले पर विजय प्राप्त की थी। 2016 में सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा फोर्ट का रेनोवेशन शुरू किया गया था।
बुर्ज एंड रैम्पार, तुगलक एंड गुजरात सल्तनत पीरियड में बुर्ज एंड रैम्पार्ट को दो इमारत के बीच बनाया हुआ है। ये बुर्ज का प्लान मुझे बहुत पसंद आया। कहा गया है कि फोर्ट में रहने वाले लोग शावक के लिए यहाँ पे आते थे। छोटी सी कैनाल को रेस्टोरेशन के समय वैसी ही रखी हुई है। ब्रिटिश लाइफस्टाइल रूम एंड ट्रैवलर्स, ये रूम में 17th टू 19th सेंचुरी की ब्रिटिश लाइफस्टाइल डिस्प्ले की हुई है और 15th सेंचुरी के बाद आउट ऑफ इंडिया से जो कोई भी ट्रैवलर्स ने सूरत विजिट किया हो उनकी डिटेल्स प्रदर्शित की है। जैसे कि फादर मॉन्सरेट ने सूरत में अकबर की मुलाकात के लिए आए हुए थे, तभी सूरत के बारे में उनके विचार और मुलाकात प्रॉपर डिटेल के साथ बताई हुई है। ट्रेड गैलरी एंड जेल, इन दिस गैलरी कॉइन्स मिंटेड इन सूरत, ट्रेड कमोडिटीज, ट्रेड जार्स, ब्रिटिश सेरामिक वेयर्स एक्सेट्रा आपको डिस्प्ले की हुई दिखाई देगी। पूरे फोर्ट में आपको रेस्टोरेशन की बिफोर आफ्टर के पिक्चर्स डिटेल के साथ दिखाई देंगे। अगर आपको फोर्ट के हिस्ट्री के बारे में या फिर कोई भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो ये पिक्चर्स या पोस्टर्स पढ़ के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मुगल एंड आर्मेनियन गैलरी, फोर्ट में से मिले हुए कैनन बॉल्स मुगल स्टाइल सिटिंग एरिया और आर्मेनियन टॉम्बस्टोन प्रदर्शित किए हुए दिखाई देंगे। फोर्ट में लाइब्रेरी भी अवेलेबल है जहां से आप हिस्ट्री और आर्किटेक्चर रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं। हालांकि अभी काम शुरू है पर फ्यूचर के लिए अवेलेबल है। Yes, आपने सही सुना, ये पोर्शन को ब्रिटिश टी रूम में कंस्ट्रक्ट किया गया है। अगर आप सामने की साइड से डोर ओपन करोगे तो आपको कैनन और सूरत का कुछ ऐसा नजारा दिखाई देगा, है ना मजेदार। डच लाइफस्टाइल रूम एंड कोर्ट रूम, एटींथ नाइनटींथ सेंचुरी की डच लाइफस्टाइल प्रेजेंट करने के लिए ये रूम बनाया गया है।
और ब्रिटिश कोर्ट रूम ब्रिटिश युग दरमियान के कोर्ट रूम की अनुभूति कराता है। सूरत का हिस्टोरिकल फूड मुझे बहुत पसंद आया। मुझे मिनिमम 4 आवर्स विजिट करने में लगे हैं। अगर आप डिटेल में फूड के बारे में जानना चाहते हैं, सो प्लीज समय निकाल के फ्रेंड्स या फैमिली के साथ जरूर विजिट करें। I hope you guys really like this video. So hit the like button, share to your friends and comment down below कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। So see you next time.